बात करें वहीं पर हम स्पोर्ट्स की बात कैसे ना करें, ऐसे मुमकिन नहीं है। बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से पहला सिंध बलूचिस्तान अमन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का सनसनीखेज जो मैच है वो क्वेटा रेलवे ग्राउंड में हुआ, इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल नबी बलोच। आइए चलिए देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से पहला सिंध बलूचिस्तान अमन कप फुटबॉल टूर्नामेंट क्वेटा रेलवे ग्राउंड में शुरू हुए, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान से मजमूही तौर पर 100 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। आज का ये मैच क्वेटा और चमन के दरमियान खेला गया। चमन से आए टीम पाक अफगान के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा पेश करते हुए क्वेटा हजारा क्लब को 2 से शिकस्त दिया। खिलाड़ियों का कहना है कि फुटबॉल क्वेटा और बलूचिस्तान के लोगों का पसंदीदा खेल है। इस तरह के टूर्नामेंट न सिर्फ नौजवान नस्ल को तफरी फराम करते हैं बल्कि फुटबॉल के खेल के लिए नए टैलेंट का भी जरिया है। आज हमारा टीम ने बहुत अच्छा खेला है, पाक अफगान 2 काफी मिसिंग भी किया है। हम लोग जो डिपार्टमेंट से खेले हैं केआरएल से। सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट में शायकीन ने भी बड़ी तादाद में इन सनसनीखेज मुकाबलों से लुत्फ अंदोज होने फुटबॉल ग्राउंड का रुख करती हैं। सिंध बलूचिस्तान हमन कप फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मैचेस 2 अगस्त को होंगे। नाइस, आई थिंक ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स हमेशा मुझे लगता है बच्चों को जो है ना आपकी एक नेचुरली एक ग्रोथ है आपकी, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है बच्चों के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।